फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्सिला चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एमएस वर्ड में सिंगल अंडरलाइन और डबल अंडरलाइन, सिंगल वर्ड को कैसे अंडरलाइन करते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट की यूज करके, हम आज के वीडियो में देखेंगे। ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना एमएस वर्ड ओपन करना है। एमएस वर्ड ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ भी टाइप करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर टाइप करूंगा, आपको सिंगल लाइन अंडरलाइन करने के लिए सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कंट्रोल प्लस व्यू प्रेस करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रोल प्लस व्यू प्रेस करने के बाद सिंगल लाइन अंडरलाइन हो चुकी है। अगर आपको डबल लाइन अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी प्रेस कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी प्रेस करने के बाद डबल अंडरलाइन हो चुकी है। अगर आपको सभी वर्ड को एक साथ सिंगल लाइन अंडरलाइन करना है तो उसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू प्रेस कर देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरे सिंगल वर्ड को अंडरलाइन हो चुकी है। तो आप इस तरह से एमएस वर्ड में सिंगल अंडरलाइन और डबल अंडरलाइन, सिर्फ सिंगल वर्ड को अंडरलाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूले टेक्सिला चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।